आज मैं आपको सिखाऊंगा AI की मदद से कुछ इस टाइप से कपड़े चेंज करना। आप वन क्लिक के अंदर कुछ इस टाइप से अपनी फोटो में कपड़े चेंज कर सकते हो। तो कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा यहाँ से गूगल में, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक हगिंग वाली वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है हगिंग और कॉलर्स, ये वर्चुअल ट्राई ऑन वाला, ये वाला आपको सर्च कर लेना है और इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको ये जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसी से आप अपने वन क्लिक में कपड़े चेंज कर पाओगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और फिर आपके सामने कुछ इस टाइप्स का इंटरफेस आएगा, ये रनिंग में है, थोड़ा सा वेट करना है। तो लोड हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको इमेज अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है और आपके सामने कपड़े को अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो सबसे पहले वाला है ड्रॉप इमेज पर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो फ़ोटो है ओरिजिनल फ़ोटो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये वाली फ़ोटो अपनी सिलेक्ट की, और अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये फ़ोटो अपलोड ना हो जाए, तो वेट करना है। तो ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एग्जांपल्स वाला है, इसके नीचे आपको ये मिलेगा गारमेंट्स इमेज का, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको जो शर्ट की इमेज है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल से, या फिर आप शॉपिंग वेबसाइट से, काफ़ी सारी है तो वहाँ से आपको कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ये गुची वाला है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा अपलोड होने देना है, वेट करना है। तो ये भी अपलोड हो चुकी है इमेज। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होगा जो भी आपका फ़ोटो बन के आएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स है, 4 सेटिंग है, तो इनको आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है और यहाँ से आपको रन पर क्लिक कर लेना है। तो ये ऐसे वार्निंग वाला आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो मतलब आपकी फ़ोटो बन रही है। अगर एरर आ जाता है तो आपको वापस से रन पर क्लिक करना है और फिर आपको कुछ इस टाइप से वेट करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमारी इमेज आएगी, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो ये आप देख सकते हो हमारी इमेज बन के आ चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी नॉर्मल थी और ये शर्ट की इमेज थी, और देखो इसने कितना परफेक्ट तरीके से इमेज को बनाया है, एकदम बढ़िया तरीके से शर्ट को चेंज किया है। सेव करने के लिए सिंपल से ऊपर यहाँ पर एक एरो मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।